So students, today we are going to start another cell organelle as we were studying about the fundamental unit of life. Fundamental unit of life के बारे में हम study कर रहे थे जो कि cell कहलाती है. उसमें हमने different cell organelles के बारे में अब तक study कर चुके हैं. Last class में हमने देखा था कि lysosomes के बारे में study की थी. Then Golgi complex and we have studied about the mitochondrion. ओके आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लास्टिड्स, दैट इज अनदर सेल ऑर्गेनेल. ओके प्लास्टिड्स क्या होते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं ये हम स्टडी करेंगे. प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स. दीज आर द अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनेल विच आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज दीज आर हैविंग द membranes around their organelles, okay, around their compartment. ठीक है, तो cell membrane, sorry, plasma membrane present होती है इनके चारों तरफ, इसीलिए compartmentalized होते हैं और compartment के रूप में एक organelle का formation करते हैं, इसीलिए ये eukaryotes में ही present होते हैं. As you know, prokaryotes में तो इस तरीके की membrane ऑर्गेनल्स के चारों तरफ नहीं होती, इसीलिए वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, अभी देखिए, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ओके, बट दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में, यूकैरियोट्स में भी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते. एनिमल सेल्स में क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज इन एनिमल सेल्स वी आर नॉट फाइंडिंग द कलर पिगमेंट्स और द प्लास्टिड्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज द फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं होता एनिमल्स में, दैट इज वाई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और क्लोरोफिल प्लास्टिड्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है. ठीक है, तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें कि प्लास्टिड्स नहीं होता वो एनिमल सेल्स होती हैं. ओके, सो दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बट समटाइम्स देर इज ए लार्ज वैक्यूल, ओके, इनसाइड अ सेल एंड दैट इज ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट द 95% ऑफ द होल स्पेस ऑफ द प्लांट सेल. ओके, दैट इज द लार्जेस्ट वन, बट इट इज द यू कैन से द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल. ओके, नाउ ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कहा जा सकता है प्लांट सेल का. ठीक है, दीज परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस इन द सेल. इनका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं. कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, मेनली दो टाइप्स के मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमा से ये क्रोमोप्लास्ट बने हैं. ठीक है, क्रोमा मीन्स होता है कलर. एक तो कलर्ड प्लास्टिड्स हो गए और दूसरे होते हैं हो गए ल्यूकोप्लास्ट. ओके, जो ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. ठीक है, नाउ अब ल्यूकोप्लास्ट में भी, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट में भी दो तरीके के हो जाते हैं. कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर कलर्ड. ओके, क्लोरोप्लास्ट एंड यू नो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में ही एक और डिवीजन हो जाता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन. ओके, तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लास्टिड्स एंड दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाउ क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल,
और ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। दीज अकर इन ग्रीन लीव्स। ये पाया कहाँ जाता है? जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं बॉडी में प्लांट सेल की, वहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ठीक है, उस क्लोरोफिल सेल्स जो है, ठीक है, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये ग्रीन लीव्स या फिर हम ग्रीन स्टेम्स कहें या ग्रीन शूट्स कहें, ठीक है, कलेक्टिवली रूट सॉरी शूट एंड सॉरी स्टेम एंड लीव्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज शूट्स। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के समय ये क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोफिल सेल्स, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स दे आर नोन एज क्लोरोफिल। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करती हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के समय। अ ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, ओके, और अ क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एज यू नो दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड सेकेंड थिंग, दे आर डबल बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट कंटेन्स अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स। ग्राउंड मैट्रिक्स जो इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज द फ्लूड और प्लोर, दैट इज लाइक प्रोटोप्लास्ट लाइक और साइटोप्लाज्म लाइक मैट्रिक्स और फ्लूड, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ओके, जो फ्लूड इनके अंदर भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो स्ट्रोमा कहलाता है, एंड दैट इज द कलरलेस। ओके, दैट इज कलरलेस फ्लूड। ओके, द स्ट्रोमा, उस स्ट्रोमा में होता क्या क्या है? ये जो उसके अंदर फ्लूड भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? उसमें लिपिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, एंजाइम्स, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, राइबोसोम, लिपिड्स, एंजाइम्स, डीएनए एंड आरएनए एंड ऑल दीज टाइप ऑफ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द दे आर प्रेजेंट इन साइड द क्लोरोप्लास। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ न्यूमरस फोल्ड्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी फोल्ड्स होती हैं विद द एम्बेडेड इन द विच आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो कि स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती हैं, ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लेमिलाई बोलते हैं, ठीक है। दे आर दीज फोल्ड्स, दे आर नोन एज लेमिलाई। द लेमिलाई आर फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड डिस्क। ये लेमिलाई जो होते हैं फ्लैट डिस्क के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये फ्लैट डिस्क जे ये सैक्स बनाते हैं, थैलेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड दे हैव थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स इनमें होती हैं, और उनको हम थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेट लाइक और डिश लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं, एक गट्ठर बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन्स एक के ऊपर एक रखी हुई पाइल्स बना लेते हैं, जिन्हें हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? लैमेली होते हैं। ये लैमेली एक के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, जिनको हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम लैमेली ही बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो थैलाकॉइड का होता है, जो एक गट्ठर होता है, ठीक है, एक पाइल होता है, उसे हम ग्रेनम बोलते हैं, और इस तरीके के ढेर सारे ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं और लैमेलाई से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। द ग्रेना इज द प्लूरल वर्ड।
नाउ ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये ग्रेना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को रखते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होता है? इन ग्रेना में होता है, ग्रेना के अंदर। ग्रेना आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रोमा कहाँ होता है? स्ट्रोमा होता है प्लास्टिड्स के अंदर, दैट इज द फ्लूड पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, और ये कलर पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, दस द लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर्स एट ग्रेना, इन ग्रेना में ही फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है वो इन ग्रेना में होता है। एंड ग्रेना, व्हाट आर ग्रेना? वंस अगेन आई वांट टू मेक यू रिवाइज्ड, ग्रेना, थैलाकोइड्स, लेमिली, इनमें अंतर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, और मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के बारे में भी अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या होता है? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, इवन कार्बोहाइड्रेट्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद फिर आ जाता है सॉलिड पार्ट, जो कि लेमिली स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, दे आर नोन एज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि एक के ऊपर एक पाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और पाइल्स का फॉर्मेशन बना के ये थैलाकोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, इनको हम थैलाकोइड्स बोलते हैं, और थैलाकोइड्स मिलकर पूरा एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस बंडल को हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये इस तरीके के बहुत सारे ग्रेनम मिलके लैमेली से आपस में जुड़े होते हैं, और तब हम इनको ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इन थैलाकोइड्स के अंदर जो पिगमेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द थैलाकोइड, सॉरी क्लोरोफिल, ओके। और जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज द कलरलेस स्ट्रक्चर, कलरलेस फ्लूड, ओके। नाउ लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं? थैलाकोइड्स के अंदर होते हैं, जो कि थैलाकोइड्स में क्लोरोफिल होता है, उनमें लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन, एज यू नो, फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं दे आर नोन एज लाइट रिएक्शंस, और जो सनलाइट के एब्सेंस में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, वो डार्क रिएक्शंस कहलाते हैं। नाउ लाइट रिएक्शंस के बारे में आपको मालूम है कि ग्रेना के अंदर या थैलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, उन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में लाइट रिएक्शन होते हैं। नाउ डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। स्ट्रोमा इज ए कलरलेस, ओके, दैट डज नॉट रिक्वायर द लाइट बिकॉज इट इज कलरलेस, ओके। तो इसको लाइट की जरूरत नहीं है, और बिकॉज इट इज हैविंग द एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन एंड आर कंटेंट इन इट, और लाइट, सॉरी, स्ट्रोमा में एंजाइम्स डार्क रिएक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, और इसी में डार्क रिएक्शन होता है क्योंकि इनके एंजाइम्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, एंड स्ट्रोमा इज ए कलरलेस सब्सटेंस, ओके। नॉन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कंटेन द कलर्ड पिगमेंट्स। नॉन ग्रीन जो क्लोरो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन जो कि ग्रीन नहीं है बट क्लोरो कलरफुल पिगमेंट्स उनमें होते हैं, कलरफुल जैसे पत्तियां होती हैं या टमाटो, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉन ग्रीन, ओके। क्रोमोप्लास्ट इज द नॉन ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन वन, एंड ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस, ओके। These are found in certain algae also, और certain algae में भी present होते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट और एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके, बिकॉज एल्गी दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कलर्स, ओके, दैट इज वाई क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन
एल्गी। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं। ऑटोनोमस बॉडीज ऐसी बॉडीज को बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को बोलते हैं, विच आर एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, स्वतः में अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होते हैं। ओके, दे आर हैविंग देयर ओन मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन, दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। ओके, सो दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इस तरीके से अपनी फोटोकॉपी या एक दूसरी कॉपी बनाने में सक्षम होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द एंजाइम्स फॉर द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेल या सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, सी दीज आर दीज स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज लेमिली, एंड दीज लेमिली व्हेन दे पाइल अप एंड दे फॉर्म स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड ईच जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड कहलाता है। अब ये ढेर सारे थाइलाकॉइड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, जब एक एक पाइल का स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक गट्ठे का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इनको हम ग्रेना बोलते हैं। और इस तरीके के ढेर सारे ग्रेनम, ठीक है, मिल के इकट्ठे हो जाते हैं तब हम इनको ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, और इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप डीएनए देख रहे हैं, ये सर्कुलर टाइप का डीएनए है। ओके, सॉरी साइटोप्लाज्मिक, और यू सी दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सॉरी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ ये मैट्रिक्स है। ओके, और ये प्लास्टो राइबोसोम्स हैं, इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड विच आर नोन एज प्लास्टो राइबोसोम्स। कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर हो जाता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। अदर क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ ऑरेंज, सी क्रोमोप्लास्ट देखिए, एक तो ग्रीन कलर का हो जाता है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, और अदर देन द ग्रीन क्रोमोप्लास्ट वो हो सकता है ऑरेंज कलर का, हो सकता है रेड कलर का, हो सकता है ठीक है येलो कलर का हो सकता है, तो इस तरीके के कलर प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, वेरी गुड एग्जाम्पल इज देयर दैट इज द टमेटो। टमेटो में हमें आप देख सकते हैं कि हमें आप आपको सभी को देखने को मिलता है बहुत सारे कलर्स एक ही साथ। ठीक है, दीज कलर दे आर इम्पार्टिंग ड्यू टू द, दे आर इम्पार्टेड ड्यू टू द कलर पिगमेंट एंड कंटेंट इन द इन देम बिकॉज ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इन जो कलरलेस, सॉरी नॉट कलरलेस, अदर देन द ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है, उसको हम कैरेटिनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि कैरेटिनॉइड्स की वजह से इनमें कलर दिखाई देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को छोड़ दीजिए तो क्लोरोप्लास्ट हो जाता है कलर कलरफुल, ये क्लोरोप्लास्ट हो जाता है जो कि कलर ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर सेल में ऑरेंज, रेड और येलो कलर का ये कॉम्पोजिशन दिखाई देता है देन इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैरेटिनॉइड्स। ठीक
ठीक है, कैरेटिनॉइड्स की वजह से इनका कलर होता है अदर देन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, कैरेटिनॉइड्स की वजह से। नाउ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, अकर इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में होता है क्योंकि फ्लावर्स में सभी तरीके के कलर्स होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, नट्स में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में हमें दिखाई देने को मिल जाते हैं। ब्राइट कलर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन। ब्राइट कलर इसीलिए होता है इनमें, फ्रूट्स में और डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इंसेक्ट और एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कलर्स क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट का कलर कैरेटिनॉइड्स की वजह से होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट भी आता है और अदर देन ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और अदर देन ग्रीन कलर के लिए कैरेटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो एनिमल एंड अदर दे आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन, ओके, एंड सीड डिस्पर्सल, एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लांट्स बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स, ओके। और ब्राइट कलर किसकी वजह से होता है प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स में, वो होता है कैरेटिनॉइड्स की वजह से, जो कि क्रोमोप्लास्ट में सिंथेसाइज होते हैं, ओके। दीज आर द कलर पिगमेंट्स, ओके, विच आर सिंथेसाइज इन थाइलाकॉइड्स ऑफ द और द ग्रेनम ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। नाउ द कलरलेस प्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्ट दे स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ये जो कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं इनमें एक्चुअली स्टार्च प्रेजेंट होता है, दे आर कंटेनिंग द स्टार्च, ओके, और एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, और एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट जो कि फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस के। सो ल्यूकोप्लास्ट दे आर हैविंग एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च ग्रेन्स को बोलते हैं, ओके, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च ग्रेन्स को बोलते हैं। प्रोटीन ग्रेन्स को जो कि ये क्रोमोप्लास्ट में, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और फैट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ल्यूकोप्लास्ट दे आर नोन एज एलायोप्लास्ट। दीज प्लास्टिड्स आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। अब ये कलर फुल पिगमेंट्स होते हैं एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड, सॉरी दीज आर नॉट एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट एंड दे अगर स्टोरेज सेल्स दे फाउंड इन स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टार्स। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं, ओके। क्रोमोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर द किचन ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल क्रोमोप्लास्ट बिकॉज दे आर हैविंग द फोटोसिंथेटिक सब यूनिट्स। फोटोसिंथेटिक सब यूनिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं एंड इन फोटोसिंथेटिक सब यूनिट्स द सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, किचन ऑफ द सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, नाउ द डिफरेंस इज बिटवीन द ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में अंतर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स एज यू नो, एंड क्रोमोप्लास्ट दे आर द कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दे दीज ल्यूकोप्लास्ट दे व्हेन
दे आर नॉट एक्सपोज इन सनलाइट, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ पिगमेंट दैट इज सिंथेसाइज इन प्लांट्स, ठीक है, जब प्लांट और प्लांट्स के पार्ट्स लाइट को में एक्सपोज नहीं होते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट का सिंथेसिस होता है, और क्रोमोप्लास्ट दीज आर एक्सपोज टू सनलाइट, और क्रोमोप्लास्ट का सिंथेसिस तब होता है जब ये सनलाइट में एक्सपोज होते हैं। दीज कलर इन सेल्स फॉर फूड स्टोरेज। अब ये ल्यूकोप्लास्ट आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि फूड जो इस ये सेल में फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि फैट्स के लिए लिए एलायोप्लास्ट होता है, ओके, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन ग्रेन्स के लिए होते हैं, ठीक है, और स्टार्च होता है वो सॉरी ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अमाइलोप्लास्ट दीज आर द स्टार्च, स्टार्च ग्रीन के लिए होता है, ओके, सो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट, ठीक है। नाउ ये तीसरा पॉइंट पर थे, हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, दीज ल्यूकोप्लास दे अकर इन सेल्स फॉर फूड स्टोरेज, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, एमाइलोप्लास स्टार्च को स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास सॉरी एमाइलोप्लास्ट, देन एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट फैट सेल्स को या फैट कंटेंट को स्टोर करता है, देन वी स्टडीड अबाउट द एलायोप्लास्ट, ठीक है, और एल्यूरोप्लास्ट सॉरी एल्यूरोप्लास्ट दे कंटेन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट में ऐसा कोई फूड स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है, दे डू नॉट टेक पार्ट इन फूड स्टोरेज, ठीक है, फूड के स्टोरेज में क्रोमोप्लास्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिशियस जो होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, इनमें सभी तरीके के कंपोनेंट्स एज ए फूड प्रेजेंट होते हैं, बट इन क्रोमोप्लास्ट वी आर नॉट हैविंग फूड स्टोरेज सेल्स, ओके, देन द शेप इज सिलिंड्रिकल ओवल एंड ओवॉइड एंड डिस्कॉइड, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ओवल होते हैं और ओवॉइड और डिस्कॉइड होते हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, दीज डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को ये कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, एज यू नो दे आर द कलरलेस पिगमेंट्स, ओके, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गन ऑर्गन्स ऑर्गेनल्स सॉरी एज यू हैव स्टडीड द